मैं डॉक्टर विवेक, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि आपके जो मुंह के अंदर टॉन्सिल्स होते हैं, जो दोनों साइड पर सूज जाते हैं, आपने देखा हो, उसके वजह से आपको फीवर या फिर कफ, कोल्ड, ये सब शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम उसी से रिलेटेड एक बीमारी के बारे में आपको बताना चाहते हैं, जिससे आमतौर पर ज़्यादातर लोग परेशान ही रहते हैं। दोस्तों, उनकी टॉन्सिल्स में सफ़ेद सफ़ेद कलर का जम जाना, मतलब कोई भी सफ़ेद चीज़ है उस पर जम गई हो, सफ़ेद सफ़ेद चादर सी बन गई, उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं। उसकी होम्योपैथी मेडिसिन कौन सी होनी चाहिए, उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। दोस्तों, देखते ही देखते साथ में दोस्तों इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी सब्सक्राइब करवाएं इस चैनल को। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। टॉन्सिल्स में सफ़ेद सफ़ेद जो चादर होती है, उसको कैसे हम ठीक करें। दोस्तों, सफ़ेद सफ़ेद सा मुंह के अंदर जो टॉन्सिल्स होते हैं, उसमें जम जाना या फिर हमारे जीभ पे, टंग में, लास्ट में जो होता है अंदर हलक जिसको बोल देते हैं, तो वहाँ पर एक सफ़ेद सफ़ेद सी लेयर सी जम जाना, जिसको कई पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, ये सफ़ेद सफ़ेद सी चादर बहुत गंदी लगती है, इवन मुंह से बदबू आने लगती है। दोस्तों, इसके मैं कारण बता देता हूँ थोड़े। दोस्तों, ये आपको पुअर हाइजीन के वजह से होता है, या फिर आप मुंह अच्छे से वॉश नहीं करते, कुल्ली नहीं करते, और साथ ही साथ दोस्तों आपको गैस ज़्यादा बनती है, एसिडिटी ज़्यादा बनती है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों, अगर आपका पाचन तंत्र अच्छा है तो आपको ये प्रॉब्लम्स जल्दी नहीं होगी, ना ही मुंह में छाले होंगे। दोस्तों, अक्सर मैंने देखा है कई पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर, मेरे टॉन्सिल्स में ये प्रॉब्लम आ गई है, तो इसके लिए हम क्या किया। दोस्तों, मैं आपको उसके लिए एक होम्योपैथी मेडिसिन बता देता हूँ, जिससे आपको जल्दी से जल्दी राहत मिल जाएगी। दोस्तों, एक ऐसे ही मेरे पास एक मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, ऐसे ही एक मेरे पास पेशेंट आया था जिसको टॉन्सिल्स स्टोन हो गए थे। दोस्तों, जैसे कि टॉन्सिल्स के पास में जब ये वाइट जमा रहता है, तो उसकी धीरे धीरे पथरी का रूप लेते, मतलब हार्ड सब्सटेंस बना लेते हैं। तो दोस्तों, उसको मैंने एक पेशेंट को फर्स्ट टाइम मैंने फेस किया था कि यार, ये पेशेंट, इसको क्या चीज़ हो गई है, ये वाइट स्टोन और हार्ड बहुत है, टॉन्सिल्स के जस्ट पास में ही था। तो दोस्तों, कई डॉक्टर्स ने उस पेशेंट ने कई डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया था, परंतु उसको कोई हल नहीं मिल रहा था। वो डॉक्टर्स उसको एडवाइस करें कि आप इसको ऑपरेट करा लें या सर्जरी करवा के इसको निकलवा लें, परंतु दोस्तों वो लेडी कम से कम 50-55 साल की थी, तो वो सोच रही थी कि इसको घबराने की वजह से मैं ये ऑपरेट नहीं करा सकती या क्या पता क्या हो जाए। तो दोस्तों, उस टाइम मैंने उस पेशेंट को देखा था, तो दोस्तों मैंने उस चीज़ को, मैंने एक ही सिंगल रेमेडी से उस चीज़ को ठीक कर दिया। दोस्तों, उसको मैंने उस टाइम पूजा की 200 की दो डोज दी थी, जिससे उसके चौथे दिन, चार दिन की मैंने उसको दवाई दी थी, चौथे दिन जब वो हमारे क्लिनिक पर विजिट करने आई, तो दोस्तों उसका बिल्कुल वहाँ से साफ हो गया था। बस हल्का सा, जैसे कि जहाँ पर कोई भी चीज़ चिपका देते तो वो निशान छोड़ जाता, तो वो सिर्फ निशान रह गया था, बाकी जो उसका वाइट वाइट कलर का जो कोटेड था, पथरी नुमा था, वो वहाँ से निकल चुका था। मतलब मरीज ने बोला भी, डॉक्टर साहब, मैंने हाथ में भी उसको लिया था और वो बिल्कुल पत्थर जैसा लग रहा था। दोस्तों, ऐसे ही मैं इस केस में बताना चाहता हूँ दोस्तों, दोस्त को भी अगर ये प्रॉब्लम है, तो पहले तो वो अपना डाइजेशन इम्प्रूव करे। उसके साथ में दोस्तों, एक मर्क सॉल 200 की पोटेंसी में सवेरे सवेरे खाली पेट आपको लेना है, सिर्फ दो बूंदे एक चम्मच पानी में डाल के लेना है। अगर आपको स्टोनी और हार्ड है, तो दोस्तों थूजा 200 की पोटेंसी में आप सवेरे भी ले सकते हैं एक डोज, और एक रात में, मतलब दो टाइम आपको थूजा भी लेनी है, और मर्क सॉल सिर्फ एक बार दिन में एक बार। दोस्तों, अगर आपको मुंह में छाले वगैरह ज़्यादा हो जाते, तो आप मर्क सॉल कंटिन्यू करें, अन्यथा यही दो दवाइयाँ हफ्ते भर आप खा लें, आपकी ये प्रॉब्लम जो होती है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। पहले नंबर दोस्तों, आप ठंडी चीज़ें खाना स्टार्ट कर दें, ताकि पेट की जो गर्मी होती है वो निकल सके, क्योंकि दोस्तों कभी कभार हमारा डाइजेशन ठीक नहीं होता और हमारे गैस बनती रहती है, जिसकी वजह से हमको ये सब दिक्कतें आती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दी जाती है और आपके बीमारियों का हल भी बताया जाता है, क्योंकि मैं कभी कभार लाइव केसेस भी लेकर आता हूँ, कि जो प्रॉब्लम्स हमने क्लिनिक पर देखे हैं उस पेशेंटों की भी हम डिटेल आपको बताते हैं। चलिए, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।